analysis helps to check correctness of a given relation. डायमेंशनल एनालिसिस क्या करेगा, कोई भी एक रिलेशन है उसको चेक करके बताएगा वेदर दिस रिलेशन इज करेक्ट और इनकरेक्ट. जैसे फॉर एग्जाम्पल वो आपको किसी भी क्वेश्चन में एक इक्वेशन देगा. जैसे इक्वेशन क्या दी, s इज इक्वल टू वी टी, डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम. ठीक है, इसके अंदर s का डायमेंशन फॉर्मूला बोलो क्या है, l. तो लेफ्ट हैंड साइड l है, राइट हैंड साइड में वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, एल टी माइनस वन, और टाइम का क्या है, t. इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, t की पावर क्या हो जाएगी, जीरो. एनीथिंग रेज टू पावर जीरो इज वन. तो आंसर क्या आएगा, सिर्फ l. आप चेक करें लेफ्ट का और राइट टर्म का डायमेंशन फॉर्मूला एग्जैक्टली क्या आ गया, सेम, राइट. तो ये फॉर्मूला एब्सोल्युटली करेक्ट है. बस ये काम करना है, करेक्टनेस चेक करनी है. लेफ्ट में पुट कर लिया, राइट में पुट कर लिया, अगर तो सेम आ गए डायमेंशन फॉर्मूला फिर तो करेक्ट है, अगर नहीं आए तो इनकरेक्ट है. तो एक प्रिंसिपल है जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. होमोजेनिटी का मतलब होमोजेनियस, मतलब कि लेफ्ट और राइट का डायमेंशन फॉर्मूला सेम है. तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अगर लेफ्ट और राइट का डायमेंशन फॉर्मूला सेम है, इसका मतलब रिलेशन करेक्ट है, नहीं तो इनकरेक्ट. यही बताना होता है करेक्ट है या इनकरेक्ट है, दैट्स इट. तो क्या ये पॉइंट क्लियर है, बस यही सेकंड एप्लीकेशन है. तो मैं अगला क्वेश्चन स्टार्ट करूं, आप चेक करेंगे एप्लीकेशन में टू चेक करें कि सही है कि गलत, करेक्टनेस कैसे चेक करनी है. देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल इक्वेशन है वी इज इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी, आपने सुनी इक्वेशन है ये. आप बताएं इसमें एग्जैक्टली कितनी टर्म्स इन्वॉल्व हैं, पहली दूसरी और तीसरी, ये एक टर्म है. तो वेलोसिटी चाहे फाइनल हो चाहे इनिशियल हो, वेलोसिटी वेलोसिटी है. तो वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, एल टी माइनस वन, क्लियर है. इनिशियल वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला भी क्या है, एल टी माइनस वन, ये भी क्लियर है. एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, एल टी माइनस टू, और टाइम का टी, इन्हें मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, एल टी. तो ये तीन क्वांटिटीज हैं, एक दो और तीन, तीनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम, इसका मतलब ये रिलेशन करेक्ट है. कोई डाउट इसमें, कोई ये ना कहे सर एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन एड हो रहे हैं तो इट शुड बी टू एल टी माइनस वन. हाँ बोल सकते हैं. देखो अगर मैं इस चीज को डायमेंशन से ना समझाऊं, मैं यूनिट से समझाता हूं, चलो यूनिट्स आपको जल्दी समझ में आते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल वेलोसिटी के यूनिट क्या होते हैं, बोलो मीटर पर सेकंड. लिखने का मतलब क्या यह है कि इस वेलोसिटी की वैल्यू 1 मीटर पर सेकंड है, नहीं, मुझे क्या पता वी कितना है, 10 मीटर पर सेकंड हो सकता है, 15 मीटर पर सेकंड हो सकता है. मीटर पर सेकंड तो सिर्फ ये बता रहा है इसके यूनिट्स क्या है. तो इस क्वांटिटी के यूनिट्स क्या है, मीटर पर सेकंड. इस क्वांटिटी के यूनिट्स क्या है, मीटर पर सेकंड, ऐसे ही है. अब एक्सेलरेशन के यूनिट क्या होते हैं, मीटर पर सेकंड का, और टाइम के क्या होते हैं, तो कैंसल हो गए, क्या आ गया, मीटर पर सेकंड. इसका मतलब यूनिट्स आपको यह बता रहे हैं कि जो भी इस क्वांटिटी का यूनिट होगा, जो भी इस क्वांटिटी का यूनिट होगा, वो आपस में ऐड करके जो आंसर देंगे वो यूनिट क्या रहेगा, एग्जैक्टली सेम रहेगा. ओके और इजी समझाता हूं, एक और बहुत बेसिक एग्जांपल. आप मुझे ये बताएं 10 न्यूटन में 15 केजी को ऐड किया तो आंसर क्या आया, 10 न्यूटन में 15 केजी ऐड किया तो आंसर क्या आया, ये तो क्वेश्चन ही गलत है. आप कहोगे या न्यूटन फोर्स है, 15 केजी मास है, ये ऐड ही नहीं हो सकते, राइट. सही बोल रहा हूं, इसका मतलब ये डायमेंशनली इनकरेक्ट है, ये बात ही गलत है. तो वही समझा रहा हूं कि अगर पहली क्वांटिटी मीटर पर सेकंड है, दूसरी भी मीटर पर सेकंड है, तो इनको ऐड किया जा सकता है, इनकी वैल्यू से ऐड, हम ऐड नहीं कर रहे वैल्यूज,
पर हम ये बात कर रहे हैं कि ये जो क्वांटिटी है वो मीटर पर सेकंड की क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी भी मीटर पर सेकंड की क्वांटिटी है, और ऐड करके जो आंसर आएगा वो भी मीटर पर सेकंड ही होगा, और अगर ये ट्रू है तो ये डायमेंशनली करेक्ट है, तो ये सही बात कर रहा है। तो जैसे ये क्वांटिटी न्यूटन है, ये न्यूटन है और ये भी न्यूटन है, हाँ ये बात सही कर रहा है, पर अगर ये न्यूटन है ये केजी है, नहीं ये बात सही नहीं है। तो यूनिट्स में हमें जल्दी समझ में आता है, हाँ इसी चीज को डायमेंशनली करना है तो एक ही बात है, मीटर पर सेकंड को क्या बोलते हैं, एलटी माइनस वन मीटर पर सेकंड, एक ही तो बात है। तो यही चीज मैं समझा रहा हूं, अगर तीन क्वांटिटीज का डायमेंशन फॉर्मूला सेम है तो वो डायमेंशनली करेक्ट है। जैसे आप इसे प्लीज ट्राई करें, एस इज यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो एक बात बताएं, S का डायमेंशन फॉर्मूला बोलो क्या है, L है, S का डायमेंशन फॉर्मूला L है, ओके। वेलोसिटी और टाइम, वेलोसिटी का क्या है LT माइनस 1 और टाइम का क्या है T, तो मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ गया L, तो सेकंड क्वांटिटी भी L, थर्ड हाफ तो कांस्टेंट है यार, इसके कोई यूनिट तो है ही नहीं तो इसको तो लेना ही नहीं है। एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है LT माइनस 2, टाइम का क्या है t का स्क्वायर, मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा lt माइनस 2 इनटू t की पावर 2, आंसर क्या आ गया वापस से l। अब चेक करें तीनों क्वांटिटीज का डायमेंशन फॉर्मूला सेम है तो ये रिलेशन एब्सोल्युटली करेक्ट है, कोई डाउट इसमें, तो समझ में आ रहा है करेक्टनेस कैसे चेक करनी है इसमें, कोई डाउट। टू लिख नहीं सकते, नंबर्स का असर लेना देना नहीं है कोई भी, मीटर पर सेकंड चेक हो रहा है तो वैल्यू क्या है हम इसमें डील नहीं कर रहे वैल्यू में, क्लियर है। तो मुझे एक आंसर दें, मैंने क्वेश्चन पूछा फोर्स इज ए माइनस एक्स इनटू बी वेयर एफ इज फोर्स एक्स इज लेंथ, ठीक, फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए एंड बी, ए और बी का डायमेंशन फॉर्मूला बताना है एंड इट इज गिवन दिस रिलेशन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ये बिल्कुल सही है। अगर ये सही है तो जो डायमेंशन फॉर्मूला फोर्स का होगा वही डायमेंशन फॉर्मूला ए का भी होगा, वही डायमेंशन फॉर्मूला इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी एग्जैक्टली सेम आएगा, एग्री करते हो। अगर ये करेक्ट है तो तीनों एक बराबर होंगे, एक आंसर पता लग गया, ए का डायमेंशन फॉर्मूला कितना एम एल टी माइनस टू, एक आंसर आ गया। दूसरा एक्स इंटू बी का मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आएगा एम एल टी माइनस टू, एक्स इंटू बी को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा एम एल टी माइनस टू, तो यहां पर एक्स का मतलब क्या है एल इंटू बी इज इक्वल टू एम एल टी माइनस टू, तो यहां से बी की वैल्यू बोलो क्या आएगी एम एल टी माइनस टू डिवाइडेड बाई एल, एल से एल कट गया आंसर क्या आया एम टी माइनस टू। समझ में आया कैसे करना है, ये स्टेप क्लियर है, इसका तो एज इट इज आ ही गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा एम एल टी माइनस टू, तो हमने मल्टीप्लाई किया एम एल टी माइनस टू, एक्स की जगह एल पुट कर दिया, डिवाइड किया, बी कैन बी कैलकुलेटेड, कोई डाउट इसमें, तो आइडिया क्लियर है कि कैसे इन टाइप के क्वेश्चन आएंगे और आते हैं कॉम्पिटिशन में भी, एनसीईआरटी में भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन भी और आते भी हैं, तो पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कि कैसे सोचना है आपने इसको, क्लियर है, ओके। जैसे इसी के ऊपर एक दो क्वेश्चन और बताता हूं ताकि आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो, हाँ है मुझे पता है, हाँ वाह, तो क्लियर है यहां तक। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लो क्वेश्चन है एनर्जी, ई फॉर एनर्जी इज ए इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस बी डिवाइडेड बाई एक्स, ई फॉर एनर्जी, ई का मतलब यहां पे एनर्जी एंड एक्स का मतलब यहां पर लेंथ, राइट। तो एक बात बताओ, एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला बोलो क्या होता है एम एल टू टी माइनस टू, तो अगर ये करेक्ट है तो इनको मल्टीप्लाई करके भी क्या आएगा एम एल टू टी माइनस टू, और इस क्वांटिटी का भी क्या आएगा एम एल टू टी माइनस टू, क्या ये स्टेप सबको समझ में आया। अगर ये तीन क्वांटिटीज हैं, तीनों का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा एग्जैक्टली सेम आएगा,
राइट। अब मुझे एक चीज बताएं, यहां से a इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स की वैल्यू इज एम एल टू टी माइनस टू, ये लो a इंटू एक्स का मतलब क्या होता है लेंथ, और पावर क्या है इसकी हाफ, एम एल टू टी माइनस टू, ये स्टेप क्लियर है। x का मीट लेंथ होता है, लेंथ की पावर क्या है हाफ, तो a की वैल्यू क्या आएगी एम एल टू टी माइनस टू को किससे डिवाइड किया, l की पावर हाफ। सॉल्व करो कितना आ रहा है l की पावर 3/2, t की पावर माइनस टू इज आंसर। पॉइंट समझ में आया कैसे करना है, कुछ नहीं करना, इसको इससे डिवाइड कर दो, सॉल्व करो आंसर। क्लियर है यहां तक। जैसे b इंटू एक्स, इसको भी देख लो एक बार, जैसे सपोज करो b डिवाइडेड बाय x की वैल्यू कितनी है एम एल टू टी माइनस टू, तो b डिवाइडेड बाय x का मतलब क्या है लेंथ इज एम एल टू टी माइनस टू, तो b का मतलब क्या है लेंथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो l की पावर क्या हो जाएगी क्यूब हो जाएगी आंसर। तो मेथड समझ में आ रहा है, तो एक बार आप इक्वेशन लिखें, सबका डायमेंशन फॉर्मूला सेम लिखें, फिर उसके बाद अलग अलग न्यूमेरिकल सॉल्व करें, जैसे इसको इसके साथ इक्वेट, इसको इसके साथ इक्वेट, वहां से ए एंड बी कैन बी कैलकुलेटेड। पॉइंट सबको समझ में आ रहा है यहां तक, कोई डाउट इसमें? क्या करोगे, वो तो ये बता रहा है कि ये जो क्वांटिटी में से ये जो क्वांटिटी माइनस कर रहे हो, जैसे ये न्यूटन है, ये न्यूटन है, न्यूटन में से न्यूटन गया जीरो, ये तो कोई बात नहीं हुई ना, न्यूटन की टर्म में से न्यूटन की टर्म माइनस हो सकती है, हाँ तो वैल्यू तो दे ही नहीं रहा ना, मैं क्या माइनस करना है, मैं तो बता रहा हूँ कि सेम एक जैसी वैल्यूज हैं, न्यूटन है तो न्यूटन है, तो न्यूटन में से न्यूटन माइनस नहीं कर सकते। क्लियर है यहाँ तक? तो आइडिया समझ में आ रहा है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें? अच्छा, अब एक चीज़ देखो, अगर सपोज करो दो टर्म्स आपस में माइनस हो रही हैं, जैसे ए और बी, मान लो ए और बी दोनों लेंथ हैं, तो ए का मतलब क्या है एल, बी का मतलब क्या है एल, एल की टर्म में से एल की टर्म माइनस हो रही है, तो आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा कि नहीं आएगा, नहीं लिखना जीरो ना, आंसर एल ही आएगा भाई, न्यूटन की टर्म में से न्यूटन की टर्म माइनस करेंगे तो आंसर भी न्यूटन में आएगा, लेंथ की टर्म में से लेंथ की टर्म माइनस करेंगे तो आंसर भी लेंथ में आएगा। आप इनके आगे नंबर्स में मत जाएं, मैं ये बता रहा हूं कि अगर इसके यूनिट मीटर हैं, इसके यूनिट भी मीटर हैं, वैल्यू कितने मीटर पर तो दे ही नहीं रहा, मैं पूछ रहा हूं जो आंसर आएगा उसके यूनिट क्या होंगे, आप आंसर क्या बोलेंगे मीटर, डायमेंशन क्या होगा लेंथ। क्लियर है? जब दो टर्म माइनस हो रही होंगी या प्लस हो रही होंगी तो दोनों की नेचर एग्जैक्टली सेम होगी, तभी वो प्लस या माइनस हो सकती हैं। न्यूटन में केजी तो ऐड नहीं हो सकता, न्यूटन में न्यूटन माइनस होगा या न्यूटन में न्यूटन प्लस होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्वेश्चन है फोर्स इज इक्वल टू ए माइनस एक्स अपॉन बी, वेयर एफ का मतलब फोर्स है और एक्स का मतलब लेंथ है, ये लो ए और बी निकालना है, तो मुझे एक बात बताओ कितने लोग एग्री करते हैं कि एक्स का मतलब यहां पर लेंथ है, लेंथ है ना, तो कितने लोग मानते हैं ए का मतलब ही लेंथ होगा, यस कि नो? नो, यस। तो मतलब न्यूटन में से न्यूटन माइनस नहीं करेंगे, अगर दो टर्म माइनस हो रही है तो फिर बोलो क्या होगा, मास कर दें, मास में से लेंथ माइनस करें, मतलब 10 केजी में से 10 मीटर माइनस करो तो आंसर क्या होगा, नहीं जगह नहीं है, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, जब दो टर्म सब्ट्रैक्ट हो रही होंगी उनमें से एक टर्म अगर लेंथ है तो दूसरी को भी लेंथ होना ही पड़ेगा, तभी तो वो सही माना जाएगा, लेंथ में से लेंथ की टर्म माइनस करते हैं, केजी में से केजी की टर्म माइनस करते हैं, आप को जब गिवन है कि ये लेंथ है तो ऑटोमेटिकली ये भी क्या होगा, लेंथ ही होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है, क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो कैसे आपने सोचना है कि अगर आपको दो टर्म माइनस करके दे रहा है, उनमें से एक टर्म वो दे रहा है कि मैं तो लेंथ दे रहा हूं, मीटर में दे रहा हूं, तो दूसरी टर्म को भी किसमें देना पड़ेगा, मीटर में। क्या ये पॉइंट क्लियर है, कोई डाउट इसमें? तो एल क्लियर है। अच्छा आप बताओ, ये एल है, ये एल है, मान लो दो टर्म माइनस कर दी तो आंसर क्या आएगा, आंसर का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, जीरो होगा, नहीं तो क्या होगा, लेंथ होगा, लेंथ में से लेंथ, इमोशनल नहीं होना माइनस करके जीरो, ना ना,
लेंथ में से लेंथ के टर्म माइनस करके न्यूमिनेटर के डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनेगा, एल ही बनेगा। तो एल में से एल माइनस करेंगे तो न्यूमिनेटर का डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनेगा, एल ही बनेगा, डिवाइडेड बाय बी। और फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, एम एल टी माइनस टू। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपके पास क्या आएगा, एम एल टी माइनस टू ऐसे आएगा। तो यहां से क्या होगा, एल से एल कैंसल, तो आंसर आएगा एम की पावर माइनस वन टी की पावर टू। आंसर जो भी आएगा सॉल्व करके, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया, फोर्स का हमें पता है, इन दोनों को माइनस करके तो लेंथ ही आएगा, और यहां से बी की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। कोई डाउट इसमें, आइडिया समझ में आ रहा है कि कैसे करना है?